नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर से आप सभी के लिए शॉर्ट ट्रिक लेकर हाजिर हो चुके हैं। आज का जो शॉर्ट ट्रिक है किस पर है, आइए यहाँ पर समझते हैं। आज का हमारा जो शॉर्ट ट्रिक है दोस्तों, भारत का केंद्र शासित प्रदेश एवं राजधानी के नाम। तो इसका जो ट्रिक है, याद रखिएगा आपका दिल, ठीक है, आपका दिल, यहाँ पर याद रखिएगा आपका दिल दर्द से चुप है, आपका जो दिल है वो दर्द से क्या है, साइलेंट है। तो चलिए यहाँ पर समझते हैं, इस लाइन को सिर्फ याद रखिएगा, इस सेंटेंस को याद रखिएगा, और केंद्र शासित जो प्रदेश है वो पूरा का पूरा सारा कुछ आपके पास यहाँ पर आपके सामने आ जाएंगे। चलिए समझते, सबसे पहले आ, आ मतलब क्या होगा दोस्तों, अंडमान एंड निकोबार, ठीक है, यहाँ पर होगा अ मतलब होगा यहाँ पर अंडमान एवं निकोबार, निको बार, क्लियर। यहाँ पर किसी को दिक्कत है तो पूछ सकते हैं, इसका राजधानी क्या होगा, अंडमान निकोबार। उसके बाद यहाँ जो प लिखा हुआ है, इस प का क्या अर्थ है, पोर्ट ब्लेयर, ठीक है, इसका अर्थ है पोर्ट ब्लेयर, ब्लेयर, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद यहाँ जो दी है, इस दी का अर्थ क्या है, दिल्ली, दिल्ली, इसका राजधानी कहां पर होगा दोस्तों, नई दिल्ली, याद रखिएगा नई दिल्ली, क्लियर। उसके बाद यहां जो ल है, ल मतलब लक्षद्वीप, क्या होगा दोस्तों, लक्षद्वीप, इसकी राजधानी कहां है, कवारत्ती, कवा रति, यह आपका राजधानी है, इसका राजधानी यही है और इसका राजधानी भी यही है, याद रखिएगा। फिर यहां पर आ चुका द, द मतलब दमन और दीव, दमन और दीव, इसका राजधानी है दमन, इसका जो है राजधानी कहां पर है, दमन इसका राजधानी है, ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट जो है यहाँ पर द, अगेन द जो आया हमारे पास, तो द मतलब दादर और नागर, नगर हवेली, दादर, दादर, याद रखिएगा नाम सब बहुत इंपॉर्टेंट है, दादर व नगर हवेली, इसका राजधानी कहाँ पर है दोस्तों, इसका राजधानी है सिलवासा में, सिलवासा में इसका राजधानी है, याद रखिएगा नाम को बहुत ज़्यादा काम आएंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो यहाँ पर जो च लिखा हुआ है, इस च से चंडीगढ़, चंडीगढ़, चंडीगढ़ का राजधानी चंडीगढ़। अब नेक्स्ट जो पता हमारे पास प, इस प का अर्थ समझिए कि प का अर्थ क्या होगा, यहाँ पर पांडुचेरी, पांडुचेरी, क्लियर। यहाँ पर आप सभी देखें कि हमने केंद्र शासित प्रदेश और राजधानी को किस तरह से सिर्फ एक एक लाइन में, एक लाइन में आपको हम बता दिए कि किस तरह से करके एक लाइन में आप याद रख सकते। तो दोस्तों आपको बता दें, अगर आप इससे भी भयानक अगर आप ट्रिक चाहते हैं तो वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर दें, और आने वाले दिन में हम इससे भी भयानक ट्रिक आपके पास लाएंगे। तो अगर आप केंद्र शासित प्रदेश राजधानी का नाम याद रखना चाहते हैं तो सिर्फ आप याद रखिए आपका दिल दर्द से चूपे, और आपका केंद्र शासित जो प्रदेश है वो सारे के सारे केंद्र शासित प्रदेश आपको रटने की यहाँ पर जरूरत नहीं है, सिर्फ समझिए, समझने से आपको बहुत ज़्यादा दिन तक आपके पास जीके याद रख सकते हैं। इसीलिए वीडियो अगर पसंद लग रहे हैं तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन को हिट करके जुड़ जाएं। अब कमेंट जरूर लिखें कि आपको यह वीडियो हमारा कैसा लग रहा है। दोस्तों फिर मिलते हैं कोई एक नई वीडियो के साथ, कोई एक नई जानकारी के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।